Assalamu alaikum student, this video is for class 10 and this is the final part of the video. Yadas ke pad jo hum log pad rahe the, ye last stanza is video mein hum log padhenge, theek hai? Re chit cheti cheti achet kahe balki ko dekhe re. Re chit hamara jo man hai, jo samajhne ka kisi bhi cheez ko samajhne ka koshish nahi karta. Achet agyani hai, wo ek dusre ko dekh kar keval jalta hai. जाति ते कोई पदी न पहुंचे राम भक्ति विशेष रे. कोई भी जाति जो है, कोई भी बड़ी भक्ति जो है केवल पहुंच सक प्राप्त कर सकते हैं. कोई भी भक्ति जो है, कोई भी जाति धर्म जो है, कोई भी भक्ति जो है कोई भी जाति से परे नहीं है. सिर्फ हम लोग क्या करना है, सिर्फ राम का नाम, सिर्फ राम का नाम ही जो ऐसा है भक्ति है जो हर जाति कर सकते है. इसमें किसी भी जाति या ऊंच नीच की भावना नहीं है. पष्ट कर्म सहित जे विषय विषेर होते हरि भक्ति चित धीरी नाही रे. पष्ट कर्म जो है, पष्ट कर्मों की भेदन जो है सहित विशेष विशेष होते हैं. विषय ब्रह्मांड ब्रह्मा के विशेष होते हैं. हरि भक्ति चित धरी नहीं रे. हरि की भक्ति जो है वो किसी प्रकार, भगवान की भक्ति जो है वो मन से किया जाता है. किसी प्रकार का संकल्प की भावना उसमें नहीं है. किसी प्रकार का उसमें शर्त नहीं है कि हमें ऐसा ही करना है. वो सिर्फ हरि की जो भक्ति है, हरि के नाम से ही किया जा सकता है. हरी कथा सुहाई नाही सुपच तले तोले ताही रे. हरी कथा जो है, हरी की जो कथा है सुने सुहाई नाही. हरी की जो कथा है वो किसी को सुहाता नहीं है. है सुपच तुले ताही रे. सुपच तुले अधम जाति जो है वो उसको केवल तोल सकता है, उसको केवल देख सकता है. लेकिन अधम जाति जिसके मन में किसी प्रकार की भावना है, लोभ की भावना, लालच की भावना है, वो सिर्फ हरी की कथा को सुन सकता है. मित्र शत्रु अजाति सब ते अंतरी लावे हेते रे. मित्र जो है, जो दोस्त है, शत्रु है, अजाति है, सब जो है इसमें भेदभाव, हरि का जो नाम का जो जाप है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं. कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई दूसरे धर्म का नहीं. अजाति सब धर्म जो है उसे उस हरि का नाम का जाप कर सकते हैं. किसी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है. लोक बाकी कहे जाने तीनी लोक पवित्र रे. लोक बाकी जो है, लोग जो है सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस भेदभाव को समझ सकते हैं. लेकिन इस ये तीनों लोक में ये जो एक पवित्र, ये जो हरि का नाम जो एक पवित्र चीज जो है, ये चीज लोक नहीं समझते हैं. अजिमल गज गण की तारी काटी कुंजर की पसारी रे. अजिमल जो है, जो बहुत ही नीच जाति का था, उसने भी हरि का नाम लेकर अपना कल्याण किया है. गज जो है, गजों के जो राजा है, हाथियों के जो राजा है गणिक जो है, वो भी सबका उद्धार हरि का नाम लेकर ही हुआ है. कटी कुंजर की पसारी रे. कटी कुंजर की पसारी एक सबका नाम जो है, सबका उद्धार जो है केवल हरि के नाम से ही हुआ है. ऐसे दुर्मति मुक्ति किए तो क्यों ना तीरे रे दासे रे. और ऐसे दुर्मति लोगों का जब हरि ने मुक्ति दिलाया है, हरि ने सबको मुक्त किया है, सबके पापों से मुक्त किया है, तो क्यों ना वो तब हरि का रेदास का साथ क्यों नहीं देंगे. तो इसका व्याख्या देख लेते हैं, क्या है व्याख्या में. रेदास जी संसार के मनुष्य की वाल्मीकि के माध्यम से समझाते हुए कहना चाहते हैं कि मन में फैली वर्ण भेद की बुराइयों को मिटाकर सभी जीवों को ईश्वर का अंश समझना चाहिए. रेदास जी संसार के मनुष्य में वाल्मीकि के माध्यम से समझाते हुए कहना चाहते हैं कि मन में फैली हुई वर्ण भेद, मन में जो हमारा जो भेद है, वर्ण भेद जो है, जो बुराई जो है, उसको मिटाकर सभी जीवों को ईश्वर का अंश, सभी जीव जो है उसको हमें, हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी एक दूसरे के प्रति बुरी भावना है, सोच है, उन सबको हटाकर सभी को ईश्वर का अंश समझना चाहिए. ऊंच जाति के होने से ही कोई परम पद अर्थात ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता. ये जरूरी नहीं कोई ऊंच जाति का है तो ही वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है.
ठीक है, अर्थात उसके लिए राम की भक्ति की ही आवश्यकता होती है। जो उच्च जाति का है उसके लिए भी राम की भक्ति जरूरी है, और जो नीच जाति का है उसके लिए भी राम की भक्ति जरूरी है, तभी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। पष्ट कर्म भेदन के साधन करने वाले ब्राह्मण होकर भी यदि उसके मन में भगवान की दृढ़ भक्ति की भावना नहीं है तथा जिसे भगवान के गुणों का ज्ञान नहीं है, उसे सबसे बड़े अधम जाति का समझना चाहिए। पष्ट कर्म भेदन की साधना, जो पष्ट कर्मों का भेदन का जो साधन न करते, जो बड़े बड़े पंडित है, ऋषि मुनि जो है, जो ब्राह्मण है, जो हर चीज में भेदभाव करते हैं, जो ब्राह्मण जो है, जो शुद्ध ब्राह्मण होकर भी अगर जो भगवान के करीब है, जो ऊंच जाति के हैं, जो ऊंच जाति के यदि उनके मन में भगवान की धृत भक्ति की भावना नहीं है, अगर उनके मन में कोई भगवान की भक्ति की भावना नहीं है तथा जिसे भगवान के गुणों का ज्ञान नहीं है और जिसे भगवान के अंदर के गुण का ज्ञान नहीं है, उसे सबसे बड़े अधम जाति का समझना चाहिए। और उसे सबसे बड़ा अधम जाति का समझना चाहिए, चाहे वो बड़ा ही जाति का क्यों ना, चाहे वो सबसे बड़ा ऊंच जाति का क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर ईश्वर की भक्ति के ईश्वर का भक्ति नहीं है, वो ईश्वर का गुणों को नहीं समझ पा रहा है, तो उसे अधम धर्म समझना चाहिए, अधम जाति का समझना चाहिए। ऐसे लोग सभी प्राणियों से शत्रु का भाव रखते हैं, और ऐसे लोग सभी प्राणी से जो है शत्रु दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि उनके मन में भेदभाव भरा है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर ही जो है भेदभाव भरा पड़ा है। अज्ञानी लोग तो वैसे भी नहीं जानते कि तीनों लोकों का निर्माण स्वयं ईश्वर ने ही किया है, तथा पशु और नीच समझने वाले अजमल गज और गणिका का उद्धार भी उसी ईश्वर ने ही किया है। गजराज को ग्रह से मुक्ति दिलाया तथा ग्रह को परम पद प्रदान किया। अज्ञानी लोग तो वैसे ही नहीं समझ पाते, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, जिनके अंदर नॉलेज नहीं है, वो लोग ऐसे ही नहीं समझ पाते कि ये तीनों लोक का जो निर्माण जो है वो स्वयं ईश्वर ने ही किया है। स्वयं ईश्वर ने ही किया है। पशु और नीच समझे जाने वाले अजमल जो है, पशु जो एक जानवर समझने वाला और नीच जाति का समझने वाला अजमल जो है, गज है, गणिक है, इन सब को उधार भी ईश्वर ने ही किया है। गजराज को जो है हाथी को उन्होंने ग्रह से मुक्ति दिलाया तथा ग्रह को परम पद प्रदान किया। गजराज को हाथी को उन्होंने एक कहानी इसके पीछे है जो बाद में समझाया जाएगा आप लोगों को। जो जब एक हाथी जो एक गड्ढा में फंस जाता है, तब एक ईश्वर ही चाहते हैं, जो ईश्वर जब तक नहीं चाहेगा तब तक वो वहां से नहीं निकल पाएगा, तो ईश्वर ने ही उसे वहां से निकाला और उसे ग्रह को परम पद प्रदान किया। ग्रह को जो है उस ग्रह जिस ग्रह से जिस गड्ढे से उसने निकाला उसे भी एक एक पद एक ऊंचा औधा दिया। रेदास जी का कहना है कि ऐसे अधमों को यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है और उन्हें संसार के कष्टों से मुक्ति मिल गई है तो उन्हें भगवान की कृपा क्यों नहीं प्राप्त होगी। और कवि रेदास जी का मानना है कि ऐसे अधर्मों को जब ईश्वर के जो अधर्म जो बहुत गुनाह किया है, जो बहुत अधर्मी है, जो धर्म के खिलाफ है, जब ऐसे लोगों को ईश्वर की भक्ति प्राप्त हुई है, ईश्वर ने उन्हें मुक्ति प्राप्त की है, तो फिर वो भगवान की कृपा उन पर क्यों नहीं हो सकती, भगवान की कृपा उन पर क्यों नहीं प्राप्त हो सकती। जब संसार के सभी पापियों का ईश्वर ने उद्धार किया तो रेदास को भी मुक्ति अवश्य मिलेगी। और उनका मानना है कि जब ईश्वर ने इस संसार के सभी पापियों को मुक्ति दी है, उनके पापों से मुक्ति दिलाया है, तो वो रेदास को भी मुक्ति अवश्य ही देंगे, क्योंकि रेदास को भी मुक्ति अवश्य मिलेगी। वो राम नाम का जाप करता है और उसे पूरा विश्वास है, अधिक विश्वास है कि इससे उस राम नाम का जाप से ही उसे इस संसार के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो ये फाइनल पार्ट था वीडियो का और इस चैप्टर का भी। होपफुली आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा।
बाकी का जो क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग क्लास में, जब हम लोग क्लास होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस साल जो है 2020 में ये चैप्टर नहीं आया था, तो इसलिए 2021 के लिए, 21 के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन आंसर जो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।